अब अच्छा कॉस्ट क्या होता है तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट मतलब खर्चा किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आता है उस खर्चे को हम लोग क्या बोल देते हैं कॉस्ट तो डेफिनेशन कहती है कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक प्रोड्यूसर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स अब बच्चा इनपुट्स दो तरह के होते हैं एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स तो पहले समझते हैं फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं बच्चा आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप तो बेटा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है फैक्टर इनपुट्स है क्या है ये फैक्टर इनपुट्स है बेटा इन फैक्टर इनपुट्स का जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट जैसे लैंड को हम लोग क्या देते हैं रेंट लेबर को हम लोग क्या देते हैं सैलरी या वेजेस कैपिटल पर हम लोग क्या देते हैं इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर अपना क्या ले लेता है प्रॉफिट तो बेटा ये क्या हो गए हमारे फैक्टर इनपुट्स हो गए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप और ये क्या हो गई रेंट सैलरी वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स अब बेटा इन फैक्टर इनपुट्स के अलावा भी कुछ इनपुट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल क्या रॉ मटेरियल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन फैक्टर इनपुट्स का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक बार दोबारा डेफिनेशन देखते हैं कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है जितना भी खर्चा कर रहा है ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फैक्टर इनपुट्स पर भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योरशिप पर भी और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे भी रॉ मटेरियल पर भी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी उसे हम लोग क्या कहेंगे उस प्रोड्यूसर की कॉस्ट लिए यहाँ तक अब cost. बच्चा कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट बच्चा कॉस्ट इकोनॉमिक्स में दो तरह की होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सपोज़ बेटा मेरा एक फर्नीचर बिजनेस है तो बेटा इस फर्नीचर बिजनेस के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी अपना बिजनेस चलाने के लिए मुझे एक लैंड की भी जरूरत पड़ेगी अब अच्छा रॉ मटेरियल मैं मार्केट से लेकर आ रही हूँ रॉ मटेरियल मैं कहाँ से ला रही हूँ बाजार से लेकर आ रही हूँ तो बेटा इसके लिए मैं पेमेंट कहाँ करूंगी आउटसाइडर्स को मार्केट में पेमेंट करूंगी बच्चा लेबर मैंने हायर करे बेटा लेबर भी मैंने मार्केट से हायर करे तो मैं पेमेंट किसको कर रही हूँ आउटसाइडर्स को कर रही हूँ वहीं बच्चा ये जो लैंड है ये मेरा खुद का है ये लैंड मेरा खुद का है सेल्फ ओन्ड लैंड है तो बच्चा मैं इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करूंगी मैं खुद को ही खुद के लैंड का रेंट थोड़ी ना दूंगी तो इस लैंड के लिए मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगी तो बेटा एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट अगर प्रोडक्शन करने के लिए हम इनपुट्स मार्केट से खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लेबर उस पर जो खर्चा कर रहे हैं उस कॉस्ट को बोला जाता है एक्सप्लेट कॉस्ट समझे वही एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स जबकि अगर कोई इनपुट हम खुद का यूज कर रहे हैं अगर हम सेल्फ ओन्ड इनपुट यूज कर रहे हैं तो उसको अगर हम लोग बाहर से हायर करते तो हम लोग उसके लिए कितना पे करते उसकी वैल्यू को बोला जाता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हालांकि ये पेमेंट हम किसी को नहीं करें खुद ही खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेंगे बट उसकी क्या वैल्यू होती है उसे बोला जाता है इम्प्लेसिड कॉस्ट तो बेटा इकोनॉमिक्स में हम लोग जो पे कर रहे हैं वो भी रखते हैं और जो पे नहीं कर रहे वो भी हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे दो तरह की कॉस्ट हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट अब बच्चा लास्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो बेटा वो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सपोज मैं एक फार्मर हूँ फार्मर भी क्या है एक प्रोड्यूसर होता है बेटा इस पीस ऑफ लैंड पर मैं दो ही क्रॉप्स ग्रो कर सकती हूँ या तो वीट या फिर राइस मेरे पास में चॉइस है या तो मैं वीट ग्रो करूं या मैं राइस ग्रो करूं तो बेटा मैंने चूज करा कि मैं इस पीस ऑफ लैंड पर राइस ग्रो करूंगी तो बच्चा इस राइस को ग्रो करने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस करा क्या सेक्रीफाइस करा वीट सेक्रीफाइस करा तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग राइस इज वैल्यू ऑफ दैट वीट क्लियर है यहां पर कि कुछ पाने के लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वही क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक और छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाती हूँ सपोज मैं एक जॉब करती हूँ जहां पर मुझे सैलरी मिलती है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की ठीक है मैं एक जॉब करती हूँ जहां पर मुझे सैलरी मिलती है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की अब अच्छा मेरे पास में एक पीस ऑफ लैंड भी है जिसको मैंने रेंट पर दे रखा है जिससे मुझे रेंट मिलता है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज तो बेटा मेरे पास से पचास हज़ार रुपए की कमाई सैलरी से हो रही है बीस हजार रुपए की कमाई मेरे पास में रेंट से हो रही है अब बच्चा एक दिन मैंने सोचा कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ और जॉब छोड़ के मैं क्या करूँ एक बिजनेस स्टार्ट करूँ और वो बिजनेस मैं कहाँ स्टार्ट करूँ मेरे इसी पीस ऑफ लैंड पर अब बेटा अगर मैं ये बिज़नेस इसी पीस ऑफ लैंड पर स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास में ये रेंट नहीं आएगा मतलब पहले तो मैं खाली करवाऊंगी ना अगर मुझे इस पर अपना बिजनेस करना है तो बेटा मेरे पास में ये रेंट अब नहीं आएगा मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई फिफ्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड रुपीज मतलब इस बिजनेस को चालू करने के लिए मुझे ये सत्तर हजार रुपए सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं तो कुछ पाने के लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है वही क्या है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है फटाफट से रिवाइज करते हैं कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर कितना खर्चा कर रहा है फैक्टर इनपुट्स पर भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर और नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल पर भी बेटा इकोनॉमिक्स में कॉस्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकती है इम्प्लिसिट भी हो सकती है अगर हम पेमेंट आउटसाइडर्स को कर रहे हैं मार्केट को कर रहे हैं तो वो क्या है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट वहीं अगर कोई चीज हम खुद की यूज करें फॉर एग्जाम्पल खुद का लैंड यूज करें तो उसकी क्या वैल्यू है उसका कितना रेंट बनता होगा बाहर अगर हम पेमेंट करें तो वो क्या है उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हालांकि ये हम पे नहीं कर रहे लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कुछ पाने के लिए हम लोग क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर है यहाँ तक फटाफट से कॉपी करो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा अब बच्चा हम लोग इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट को डिस्कस करेंगे तो चलो यहां से हमारा चैप्टर मोटा मोटा स्टार्ट होता है बच्चा मैंने आपको बताया था हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ शॉर्ट रन है लॉन्ग रन हमारे कोर्स के अंदर नहीं है शॉर्ट रन मतलब बहुत ही छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल थ्री मंथ्स वन ईयर तक का टाइम कि अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है अगर मुझे ज्यादा फर्नीचर प्रोड्यूस करना है तो मैं ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद सकती हूँ ज्यादा लेबर को

कॉस्ट क्लियर है सेम वैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो इन्हीं कॉस्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बास प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा करता है लैंड पर मशीनरी पर एक प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा करता है क्या रहती है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्सड फैक्टर्स क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं तो टेबल के थ्रू देखते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट हम लोगों ने ले लिया जीरो फोर फाइव सिक्स ये हमारे फर्नीचर हो गए ये हम लोगों ने ले लिया बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्या है कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं तो उनपे लगने वाली कॉस्ट उनपे होने वाला खर्चा भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा अब डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करें तो बेटा एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने हमारा आउटपुट ले लिया वाई एक्सेस पर हम लोगों ने हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ले ली आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी है टेन है अब अच्छा यहाँ पे देखो अगर आउटपुट जीरो टेन है, तो है. बेटा अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी आपने लैंड तो खरीद ही रखा है मशीनरी तो खरीद ही रखी है ना चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो आउटपुट वन है तो ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल लैंड खरीदोगे आउटपुट वन है तो भी आपका लैंड पर खर्चा तो वही टेन रहा आउटपुट टू लैंड पे खर्चा वही टेन रहा आउटपुट थ्री टेन तो बेटा ये क्या बन गई हमारी एक हॉरिजोंटल लाइन बन गई जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये क्या शो कर रहे हैं हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसे हम लोग टीएफसी भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं टी एफ सी क्लियर है यहाँ तक तो बेटा टीएफसी कैसा रहेगा हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अब सेकंड है बेटा हमारा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जितना भी खर्चा किया जा रहा है रॉ लेबर पर जितना भी खर्चा कर रहे हैं रॉ मटीरियल पर जितना भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बहुत सिंपल सा है अगर हमें प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग ज्यादा लगाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी तो बेटा ये हम लोगों ने सेम यूनिट ऑफ आउटपुट ले लिया जीरो से लेकर सिक्स तक आप देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी आउटपुट जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो भाई अगर आपने कोई प्रोडक्शन ही नहीं करना प्रोडक्शन आपका जीरो है तो आप रॉ मटेरियल भी नहीं खरीदोगे आप लेबर भी हायर नहीं करोगे तो ये भी क्या है जीरो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती गई क्लियर है अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है पहले वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी देन टेन हुई कितना इंक्रीज आया टेन का देन टेन से एटीन हुई कितना इंक्रीज आया एट का देन एटीन से ट्वेंटी फोर हुई कितना इंक्रीज आया सिक्स का देन ट्वेंटी फोर से एट हुई फोर का इंक्रीज देन 28 से 32 अगेन फोर का इंक्रीज एंड देन 32 से 38 कितना डिफरेंस आया थर्टी का तो बेटा पहले तो ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है कौन सी रेट से डिक्रीजिंग रेट से देखो डिफरेंस कम होता जा रहा है ना देन ये डिफरेंस इंक्रीज इंक्रीज हुआ मतलब वेरिएबल कॉस्ट हुई है इंक्रीजिंग रेट से तो बेटा इंक्रीज तो हो रही है जीरो से थर्टी एट हुई है बट ये ध्यान दो तो यहां से लेके यहां तक तो ये इंक्रीज हुई थी डिक्रीजिंग रेट से धीरे 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 धीरे, 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 धीरे इंक्रीज हुई देन इंक्रीज हुई इंक्रीजिंग रेट से तो बेटा ग्राफ किस तरह से बनाएंगे इसका पहले यू You. मैंने आपको पहले भी बताया था इस से पहले वाले के अंदर कि अगर कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से increase होती है, तो यू दिखाते, है, तो दिखाते हैं आई बात समझ में तो बेटा ये ध्यान रखना पहले तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से इस तरह से नीचे जा रहा है देन इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से ये प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ शेप बना देना काम हो जाएगा यहाँ पर भी प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है ठीक है तो सेम वैसे ही एक्स एक्सएस पर आउटपुट है वाई एक्सएस पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो पहले इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से देन इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से तो बेटा ये हम लोगों ने देख ली हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे हम लोग टीएफसी बोलते हैं और टीवीसी बोलते हैं यहां तक का कॉपी करो एक लास्ट टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अब बेटा फिक्स्ड फैक्टर्स पर जो खर्चा हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट में टीएफसी सेम वैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्चा हुआ उसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी अगर बेटा मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दू दोनों खर्चों को प्लस कर दूं तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी कि भाई फिक्सड फैक्टर्स पे जो खर्चा हुआ और वेरिएबल फैक्टर्स पे जो खर्चा हुआ दोनों को प्लस कर दो तो हमारी क्या निकल जाएगी टोटल कॉस्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टीसी तो बेटा इसे भी हम लोग टेबल और डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं ये हो गया हमारा आउटपुट सेम वैसे ही है पीछे वाले जैसा ये हो गई हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर दो बेटा टेन प्लस जीरो फोर तो ये क्या आ गई बेटा हमारी टोटल कॉस्ट जिसे हम लोग टीसी बोलते हैं अब अच्छा डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे तो एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने हमारा आउटपुट ले लिया सेम वैसे ही और वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी तीनों कॉस्ट शो कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट तो बेटा टीएफसी का कर्व कैसा था एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा टीएफसी हो गया प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ शेप याद रखना शेप बना देना देन बेटा टीवीसी कैसा था कुछ इस तरह से कि पहले तो टीवीसी इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से देन इंक्रीज हुआ

जो कि क्या है कांस्टेंट है यही रीजन है बेटा टीवीसी और टीसी क्या है एक दूसरे के पैरल है आप चेक करो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो टेन माइनस जीरो में से मैं टीवीसी माइनस करूंगी तो क्या आएगा टी जो कि क्या है कॉन्स्टेंट इसीलिए टीसी और टीवीसी क्या है एक दूसरे के पैरल है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वाई टी सी एंड टीवीसी करव आर पैरेल टू ईच अदर तो क्या बोलोगे बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टी सी एंड बेटा आज हम लोगों ने मोटा मोटा क्या डिस्कस कर लिया कॉस्ट किसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कॉस्ट क्या क्या होती होती है है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टी एससी टीवीसी एंड टी सी बेटा कल हम लोग एवरेज कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ